दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे लीड वेब डेवलपर की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीड वेब डेवलपर में कि कौन लीड वेब डेवलपर बन सकता है और लीड डेवलपर को कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो पूरी करनी होती है और क्या क्या होता है लीड डेवलपर में और एक्चुअली में लीड डेवलपर कौन होता है, तो उसके बारे में हम लोग आज फुल डिटेल जानेंगे कि लीड वेब डेवलपर। आप लोगों ने लिंक्डइन की प्रोफाइल में बेसिकली जो लोग हायर करते हैं, जिनको भी जैसे कि कोई भी प्रोग्रामर हुआ या डेवलपर हुआ उनको लोग हायर करते हैं, तो उनके जो प्रोफाइल होती है उन पर लिखा होता है लीड वेब डेवलपर। ठीक है, तो इस लीड वेब डेवलपर का मतलब क्या होता है, ये लीड डेवलपर क्या कर सकते हैं। बेसिक तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लीड वेब डेवलपर का जो रोल होता है वो अपनी जो वेबसाइट के जो अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए लीड लाना होता है। कहने का मतलब ये होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है, तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं एक्चुअली में। ठीक है, जैसे कि मैं मानकर चलता हूं कि किसी की कोई वेबसाइट है, जैसे कि अमेजोन का नाम हम लोग लेकर चले तो अमेजोन तो बहुत बड़ी वेबसाइट हो गई, वैसे ही ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है और कोई जो यूजर है वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करता है उस वेबसाइट के ऊपर, तो उस वेबसाइट के लिए आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए। आप लोग कह सकते हैं कि उस वेबसाइट पर आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए एज ए लीड वेब डेवलपर, अगर आप लोग एक लीड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि कंपनी की जो वेबसाइट है वो कैसी है, वो उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कैसा है। ठीक है, तो आप लोगों को एक रिस्पॉन्स टाइम की नॉलेज होनी चाहिए पहली बात लीड वेब डेवलपर को, कि कितने सेकंड के अंदर वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है पहली बात। दूसरा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको पता होना चाहिए कि वेबसाइट के अंदर कोई लूप होल तो नहीं है। ठीक है, या ऐसा कोई बग तो नहीं है जिससे वेबसाइट जो है वो एक लेवल पर जाकर जो है फॉल हो रही हो। रिसोर्सेज जो हैं वेबसाइट्स को पूरे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, तो रिसोर्सेज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। स्टोरेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा स्टोरेज बेहतर है, AWS बेहतर है या Azure बेहतर है या कोई और बेहतर है, तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। लीड वेब डेवलपर को लीड लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, माइक्रोसाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। माइक्रोसाइट्स होती है एक स्मॉल पेज या हम लोग कहें एक प्रमोशनल पेज। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि स्पोटिफाई है, ये जो ऐसा ही काम जो है आप लोग इनके जरिए कर सकते हैं। तो माइक्रोसाइट्स होती हैं जिनके जरिए आप लोग एक सिंगल पेज डिजाइन करके प्रोडक्ट्स के लिए आप अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के लिए जो है एंगेजमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक तौर पर जो लिंक्डइन की जो प्रोफाइल में आप लोगों को लीड वेब डेवलपर मिलता है वो बेसिक तौर पर अगर मैं कहूं तो आप लोगों को इतना तक मिलेगा कि वो माइक्रोसाइट्स डेवलप करने वाला मिल जाएगा, यानी कि एक सिंगल वेब पेज डेवलप करने वाला मिल जाएगा। या मैं आप लोगों को ये बात कहूं कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो लीड वेब डेवलपर का काम करते हो, जो वेबसाइट का क्रॉलिंग भी सिस्टम भी संभालते हों कि गूगल वेब कंसोल में वेबसाइट को कैसे सबमिट करना है। ठीक है, गूगल इंडेक्स को मॉनिटर करते होंगे। ठीक है, सिक्योरिटी को मॉनिटर करते होंगे, एनालिटिक्स जानते होंगे, या हम लोग कहें कौन सा सर्वर बेहतर है जैसा कि मैंने बात की वो जानते होंगे, या आप लोगों का ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ जानते होंगे। तो ये लीड वेब डेवलपर का काम है बेसिक तौर पर। और मैं ये कहूँगा कि आज के टाइम में लीड वेब डेवलपर बनना थोड़ा एक्सपीरियंस की बात है। बहुत सारी वेबसाइट्स आप लोगों को ऐसा मिल जाएगी कि एक बीटेक इंजीनियर लीड वेब डेवलपर बन सकता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप लोगों ने अपनी कुछ वेबसाइट्स चलाई होंगी और उस वेबसाइट्स पर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि कौन सी वेबसाइट जो है अच्छा रिस्पॉन्स टाइम दे रही है, तो वो उतना अच्छा होगा। आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरल कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक लीड वेब डेवलपर को बनाती हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोगों को एक बीटेक की डिग्री चाहिए उसके लिए, नहीं। आप लोगों को कोई एक ब्रीफ नॉलेज चाहिए उसके लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जो मैटर करता है लीड वेब डेवलपर के लिए वो है एक एक्सपीरियंस का होना। एक्सपीरियंस अगर आप लोगों को है, जैसे कि आप लोगों ने सपोज मैं एक एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता हूं, अगर एक आप लीड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी एक वेबसाइट ओपन कीजिए, उस पर कोई ना कोई प्रोडक्ट आप लोगों का होना चाहिए, वो लिस्टेड कीजिए। अब आप लोगों को सोचना है कि इस प्रोडक्ट को मैं कैसे सेल करूं,
ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप लोगों को अपनी वेबसाइट का SEO करना होगा, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि गूगल के पेज पे वो कहाँ पर रैंक कर रही है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को सबमिट करनी चाहिए वो हर एक सर्च इंजन के अंदर वो वेबसाइट, ताकि आप लोगों का डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन से भी आप लोगों का ट्रैफिक जो है वो बना रहे, वेबसाइट के ऊपर एंगेजमेंट जो है वो बनी रहे। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोगों को डायरेक्टरी सबमिट करना होगा, यानी कि मोटा मोटी तौर पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को SEO का नॉलेज होना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। ये तो हुआ कि मैं वेबसाइट के थ्रू एंगेजमेंट ला रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है कि मैं एक तरीका और होता है कि प्रोडक्ट जो है वो इन्फ्लुएंसर्स के जरिए सेल किया जा सकता है। तो इन्फ्लुएंसर्स जो है डिफरेंट टाइप्स के जो पब्लिशर्स होते हैं उनसे बात करते हैं, उन पे गेस्ट पोस्ट वगैरह लिखवाते हैं, लिंक बिल्डिंग की जाती है वेबसाइट की, ताकि वो प्रोडक्ट कैसे भी करके सेल किया जा सके। अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, कि आप लोगों को ऐसा नहीं हो कि आप लोग जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट पर आप लोगों का सिक्योरिटी ब्रीच करता हो कोई कोई टर्म्स आप लोगों की, तो आप लोगों को लॉस हो सकता है। तो एक जो लीड वेब डेवलपर होता है उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैन लीड तो ले आया, वेबसाइट एंगेजमेंट तो हो गया, लेकिन सिक्योरिटी यहां पर ब्रीच हो रही है, तो उसका नॉलेज भी उसको होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों को जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोशनल जो एफिलिएशन मार्केट्स होते हैं उनके बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज है कि ये यहाँ पर मैं एंगेजमेंट, यहाँ से मैं एंगेजमेंट ला सकता हूँ, अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकता हूँ, यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो इतना सेल कर सकता हूँ, तो वो एक लीड डेवलपर का काम होता है। तो अगर आप लोग एक लीड डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को मैं सीधा मोटा मोटी तौर पर कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपनी वेबसाइट ओपन करनी चाहिए, आप लोग उसका रिस्पांस टाइम कितना कम कर सकते हैं वो होना चाहिए, सिक्योरिटी कितनी अच्छी रख सकते हैं वो आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, आप लोगों को Azure का नॉलेज होना चाहिए, AWS का नॉलेज होना चाहिए, Azure के ऊपर कंटेनर होते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, AWS के ऊपर आप लोगों को ECW की जो सर्विस होती है उनके बारे में, ECS की जो सर्विस होती है, EC2 की जो सर्विस होती है उनके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि AWS को यूज करती हैं, कुछ जो है वो Azure को यूज करती हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को एनालिटिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, गूगल्स के बारे में, गूगल क्रॉलिंग के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, एंड आप लोगों को लीड वेब डेवलपर में माइक्रोसाइट्स के बारे में पता होने चाहिए, जो डिफरेंट टाइप्स की साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों के एक सिंगल पेज से ही आप लोगों की वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकती है, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्फ्लुएंसर जो मार्केटिंग है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, अगर आप लोग इन सभी में स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, जैसे कि 3-4 साल अगर आप लोग यहां पर लगाते हैं तो आप लोग एक लीड वेब डेवलपर मैं कहूंगा जहां तक वो बन पाते हैं। ठीक है, और अपने पेज पर आप लोग लिख सकते हैं कि वो एक लीड वेब डेवलपर है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लोग ये लिख देते हैं कि मैं एक लीड वेब डेवलपर हूं, तो मैं नहीं मानता कि ये सारी चीजें वो एक हैंडल कर सकता है, वो इस चीज को मैनेज भी कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि रेज्यूमे के ऊपर या लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर कुछ भी लिख देना आप लोगों की प्रोफाइल को नहीं दर्शाता है, इवन आप लोगों के ऊपर ब्लैक मार्क ही लगाता है। तो इस बात या कंपनी में आप लोग लीड वेब डेवलपर का काम कर रहे हो और आप लोग वहां पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो लिख देते हैं, तो इस बात से मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि वो लिखते हैं, उनको जॉब मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने सिर्फ इस टॉपिक को समझाया है कि लीड वेब डेवलपर जो है वो कौन होते हैं। ठीक है, ये मुझे टॉपिक नहीं मिला तो मैंने सोचा कि मैं लीड वेब डेवलपर का ही टॉपिक बना देता हूं और मैंने आप लोगों को समझाया है। तो जो लोग इंडिविजुअल रहकर काम करते हैं, जो लोग बिना कंपनी के घर पर काम करते हैं, बेसिकली वो लोग लीड वेब डेवलपर का काम कर लेते हैं आसानी से। जैसे कि किसी भी वेबसाइट जो है, आजकल बहुत सारे लोग जो हैं ब्लॉगर हो चुके हैं, तो वो लोग जो हैं दूसरे लोगों को सर्वर मैनेज करने के लिए देते हैं, तो बेसिकली वो जो सर्वर मैनेज करते हैं वो लोग फ्रीलांसर्स ही होते हैं, वो घर पर बैठे बैठे या कंपनी भी होते हैं वो लोग सर्वर मैनेजमेंट का काम कर लेते हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम कर लेते हैं, इवन SEO का काम कर लेते हैं, इवन आप लोगों का माइक्रोसाइट्स का काम कर लेते हैं, सिंगल वेब पेज डिज़ाइन करके लीड भी ला देते हैं, तो वो लोग जो है एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वो ये काम करते हैं। ठीक है, तो आप अपना वेबसाइट ओपन कीजिए, उसको कम से कम टाइम में ओपन करने की कोशिश कीजिए कि उसका रिस्पांस टाइम सबसे कम हो। ठीक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रैफिक आ जाता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है वो बात आप लोग सीखिए।
एक सिंगल पेज आप लोग डिजाइन कीजिए, उसकी एडवर्टीजमेंट आप लोग कीजिए, उसकी आप लोग उस पर ट्रैफिक लाने की सोचिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने की सोचिए, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, उसके उतने आइडियाज आप लोगों के पास होने चाहिए। तो वो सारा का सारा जो चीज है वो लीड वेब डेवलपर के अंदर आता है। और मैं जहां तक सोचता हूं बहुत कम लोग जो हैं, 84% लोग लीड वेब डेवलपर नहीं होते, 16% लोग जो हैं लीड वेब डेवलपर होते हैं, और वो लोग जो हैं एक्सपीरियंस वाले बनते हैं। मैनेजर की जो पोस्ट है, सीईओ की जो पोस्ट है, वो लीड वेब डेवलपर का काम कर सकती है, जहां तक मैं सोचता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाता रहूंगा, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए वो चले हुए हैं, लेकिन उसके वो डिले हो रहा है। तो ये विंटर वैकेशन चल रहा था, उसके दौरान जो है ये देरी हो रही थी। आज एक पहला दिन है विंटर वैकेशन के बाद का, तो वो स्टार्ट किया है, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आगे चलकर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज के बारे में आप लोगों को प्रोजेक्ट दूं, और ऐसे ही एक एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों से चर्चा करता रहूं। ठीक है, तो मैं आप लोगों का होस्ट आप लोगों से फिर से थैंक यू बोलता हूं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को और मुझे ऐसे ही प्रमोट करते रहे। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट हमेशा करता रहता हूं कि लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, मुझे मोटिवेशन तब मिलता है जब मुझे लाइक मिलता है, बाकी की जो लेक्चर्स हैं वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे सिर्फ लाइक चाहिए। जितना लाइक आप लोग देंगे मेरे अंदर उतनी ही खुशी जो है वो बिल्डअप होगी। ठीक है, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट आप लोगों को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मैं टॉपिक समझाता हूँ उसके ऊपर आप लोगों के पास क्वेरी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोगों के पास क्वेरी ज़रूर मिलेगी, और जब क्वेरी आप लोगों को मिलेगी तो टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, चलिए।